वालेकुम द नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर सेवेंटीन बायोटेक्नोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक, एक, एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या उनकी फार, उनके फायदे के लिए जो टेक्निक्स वो प्रिपेयर की जाती हैं उसको उस टेक्निक को या उस टेक्नोलॉजी को बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं तो ह्यूमन जो होती है वो यूज़ करती है बायो टेक्नोलॉजी को सिंस दे डिस्कवर्ड सिंस का वर्ड फॉर्मिंग नेक्स्ट इसका जो यूज होता है वो एक्सटेंड होता गया प्लांट सीड्स को प्लांटिंग करने से ट्रू कंट्रोल तो, ऑफ प्लांट ग्रोथ फिर आगे फर्दर उसकी क्रॉप की, की प्रोडक्शन एनिमल ब्रीडिंग में भी एनिमल ब्रीडिंग जो होती है वो एक टेक्नोलॉजी की फॉर्म है टेक्नो बायो टेक्नोलोजी का मतलब होता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी जो ऑर्गेनाइज होती है टेक्नोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी बेसिकली जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिट होती है जो वो प्रोसेस वो प्रोसेस जो प्रोसेस जो मैनुफेक्चर होते हैं जो बायो हमारे ह्यूमस के लिए जो बेनिफिट होते हैं उनकी जो सेंसेज होती है या उनकी जो मैनुफेक्चर होता है उसको हम बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं जैसे कि इंसुलिन इंसुलिन जैसे प्रिपेयर की जाती है वो इसकी एग्जांपल आ जाएगी आगे नेक्स्ट क्रॉस पोलिनेशन जो होती है प्लांट्स की और जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है एनिमल्स की वो भी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स हैं तो जो टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं कि वो क्वालिटी को इनहेंस कर सके और रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके जो हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं तो इस चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो कैसे हमारी लिविंग आ, आ, लिविंग आ, वो सिस्टम को कैसे उसने इम्प्रूव किया या किस 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 चीज़ों को आगे ऑर्गेनाइज किया साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ होता है इन द प्रोसेस फ़ॉ द मैनुफैक्चर ऑफ़ यूज़फुल प्रोडक्ट फॉर सर्विसज वही बात आ गई एक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की के बेनिफिट के लिए जो प्रोसेस मैनुफेक्चर किए जाते हैं जो प्रोसेस या जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसको हम बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं जो बायो टेक्नोलॉजी की टर्म आए हुआ न्यू है लेकिन इसका जो तो डिसिप्लिन है वो बहुत ओल्ड है फर्मेंटेशन uh, भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं जो कि बेस्ड हुई होती हैं नेचुरल पे ऑर्गेनिज़म्स की आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग पहले इसमें एक मैंने एग्जाम्पल बताई हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है वो एक आर्टिफिशियल सेंथिसिस होती है मॉडिफिकेशन, रिमूवल एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटीरियल होता है इसका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है एक बैक्टीरिया मैं फॉर एग्जाम्पल पेरेंट बैक्टेरिया में उसका डी एन ए लिया उस डी एन ए को आगे दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाया यानी जो उस बैक्टीरिया में करैक्ट्रिस्टिक्स हैं हमने उसको उसको लेना है दूसरे ऑर्गनिज़म में जो दूसरे ऑर्गनिज़म में नहीं है तो हम क्या करेंगे उस बैक्टेरियम का डीएनए लेंगे उसका पार्ट लेंगे उसको दूसरे पार्ट के डीएनए में इंसर्ट कर देंगे तो वो उसमें भी करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी तो इस तरह पॉपुलेशन जो होगी वो इंक्रीज़ होगी बैक्टेरियम की वही डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स के साथ तो इस तरह बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक यूज़ करके हम अपनी लिविंग कंडीशन को बेटर कर सकते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे इस ये जो होती है आगे वही बात है इट इज़ डन टू ऑलर द करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जो करेक्ट्रिस्टिक्स पहले ऑर्गेनिज्म के होते हैं उसको चेंज करने के लिए इसको किया जाता है जो वर्क होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में नाइनटीन फोर्टी फोर में स्टार्ट हुआ ये जो होता है कि एम सी क्यूज़ है वैन इट वॉज प्रूव दैट डी एन ए कैरीज़ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब ये प्रूव हुआ कि डी एन ए होता है वो जेनेटिक इफॉर्मेशन कैरी करता है ये हमने पीछे भी पढ़ा था डी एन ए में जीन्स होते हैं जीन्स में वो कटोेट होते हैं जो आगे ट्रांसपिट होने होते हैं साइंटिस्ट ने किया साइंटिस्ट uh, ने आइसोलेशन की एग्ज़ाम्स डीएनए एन के एग्ज़ाम्स की फिर इसको प्रिपेयर किया डीएनए एन uh, किया डीएनए को सेल्स के बाहर ही नाइनटीन सेवेंटी में तो ये चीज़ करने के आ, आ, लाइक हो गए कि वो क्या करें उसने वो कट कर सकते हैं पेस्ट कर सकते हैं डीएनए ऑर्गेनिजम्स के 1978 में साइंटिस्ट ने क्या किया साइंटिस्ट ने ह्यूमन इंसुलिन को प्रिपेयर किया बाय इंसेंटिंग द इंसुलिन जीन बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया से भी इंसुलिन दी जा सकती है ये बेस्ट एग्ज़ैम्पल है इसमें बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल ये बेस्ट है इंसुलिन फ्राम द बैक्टीरिया आगे ह्यूमन ग्रोथ हारमोन जो होती है वो भी सेंसिसाइज होती है बैक्टीरिया में 1990 में ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया कि उसने सारे जीन्स को ह्यूमन सेल के मैप किया बताया उसके बारे में जो कंप्लीट मैप होता है ह्यूमन जिनोम का वो पब्लिश किया गया 2002 में ये सारे एम हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग का शॉर्ट क्वेश्चन आता है बस स्कॉटलैंड में 1997 में एक एम्बियोलॉजिस्ट था लैंड uh, वलमेंट उसने क्या उसने एक शीप प्रोड्यूस की फ्रॉम द बॉडी सेल ऑफ एन अडल्ट शीप एक के बॉडी सेल से उसने एक शीप प्रोड्यूस की जिसको उसने डोली का नाम दिया अच्छा आगे नेक्स्ट है स्कोप क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है रिसेंट ईयर्स में बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो एक सेपरेट साइंस की तरह ही ग्रो कर रही थी लेकिन अब इसने अट्रैक्टेड किया दूसरों की टेंशन एंड टेक्लेक्चुअल्स की टेंशन के आगे उसकी डिवर्स फील्ड आई एग्रीकल्चर आई मेडिसन आई माइक्रोबाइलॉजी आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई नेक्स्ट जो स्कोप होती है बायोटेक्नोलॉजी की वो इतनी वाइड है इतनी ज़्यादा है कि ये हमारे डिफ़िकल्ट होता है कि हम उनकी लिमिट्स को भी लिमिट्स तक जा सकें आगे उसकी फर्दर एप्लीकेशन हैं बायोटेक्नोलॉजी की पहले है बायोटेक्नोलॉजी क्या है फील्ड ऑफ मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड ऑफ मेडिसिन में जो बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन है आ, उसमें फील्ड ऑफ मेडिसिन में जो बायोटेक्नोलॉजी का रोल है वो ये है कि बायोटेक्नोलॉजिस ने क्या किया इंसुलिन को सेंसाइज किया और इंटरफेरॉन को कहाँ से बैक्टीरिया से और रिलीज़ किया इनको सेल के लिए आगे लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स जो थी उन्होंने एंटीबॉडीज़ बनाई वैक्सीन बनाई एंटीबॉडीज़ बनाई ह्यूमन ग्रोथ हारमोन्स और दूसरे मेडिसन्स बनाई वो भी बायोटेक्नोलॉजी की ही टेक्निक से मुमकिन हो सका आगे एग्जाम्स भी बनाए इन्होंने जो कि सेंसिसाइज किए गए मेडिसिनल एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी जीन थेरेपी जो कि ट्रीटमेंट होती है जीन्स के थ्रू वो भी इम्पोर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी जो होती है उसने बेनिफिशियल इन फॉरसैनिक मेडिसिन में भी बहुत बेनिफिशियल प्रूव हो स्टडी होती है डी एन ए की वो हेल्प करवाती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रीमिनल्स क्रीमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन में नेक्स्ट है बायोटेक्नोलोलोलोजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर कि फूड और एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है फर्मेंटेड फूड इसमें पीकस आते हैं योगर्ट आ जाते हैं मोल्टेड फूड इसमें पाउडर्ड मिल्क आ जाते हैं वो क्या और कुछ विटामिन और डेली प्रोडक्ट्स वो वो प्र, वो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो एग्निजम का यूज़ करके वाइन और बियर वो भी बिल बिवरीज होती हैं इंडस्ट्रीज़ में वो बायो वो भी बायो टेक्नोलॉजी से ही मुमकिन आगे बायो टेक्नोलॉजी जो होती है वो उसने क्या किया उसने एग्रीकल्चर के एरिए में भी बहुत ज़्यादा अपनी डेवलपमेंट्स करवाई यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स जिसमें फॉरजिन डीएनए होता है फॉरेन डीएनए होता है जिसमें आ, वो प्लांट होती है वो भी डिवेलप हुई टेक्नोलॉजी की वजह से जिसमें ड्राइजेबल करेक्टरस्टिक्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं जो हम चा रहे होते हैं इन ज़्यादा यील्ड होती है रेजिस्टेंस होती है गेंद जैसे इंसेक्ट होते है, हर भी हैं हर्बिसाइड्स होते हैं ट्रांसजेनिक गोर्स और चिकन्स और कावज़ होती हैं वो ज़्यादा फूड देती हैं और मिल्क देती हैं कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें माइस आ देती हैं गोर्स आ जाते हैं कावस आ जाते हैं वो भी ट्रांसजेनिक होते हैं बना बनाते हैं उनको कि हम उनसे मेडिसन और ले सकें मिल्क और ब्लड और यूरिन के थ्रू आगे बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट में क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो होती है वो इसलिए भी हम यूज़ करते हैं कि हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के साथ को डील करने के लिए जैसे पोल्यूशन कंट्रोल डेवलपमेंट एबल सोर्सिस ऑफ एनर्जी की और रिस्टोरेशन है डिग्रेडिग लैंड्स की बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन है बैक्टेरियल टाइम्स क्या होते हैं वो यूज किए जाते हैं कि वो ट्रीट सीवेज के वाटर को सीवेज वाटर को टू प्योरीफाई ये हमारी हेल्थ पे भी बायो टेक्नोलॉजी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है माइक्रोब्स जो के डेवलप किए गए थे एज आ बायो पेस्टिसाइड बायो फर्टिलाइजर्स बायो सेंसर्स वो भी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाते हैं आगे ट्रांसजेंडिक माइक्रोनिज़म जिसको हम यूज़ किए गए जिसको हम यूज़ करते हैं रिकवरी ऑफ़ मेटल्स के लिए क्लीनिंग ऑफ स्पिल्ड ऑयल्स के लिए और बहुत से दूसरे पर्पसेस के लिए तो ये एप्लीकेशनस बायो की बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ होती है किस किस के लिए यूज़ होती है हमारे फूड में क्या उसका रोल है हमारे इन्वामेंट में क्या रोल है हमारे डेली लाइफ के यूज़ में क्या उसका रोल है तो आज का टॉपिक बस यहीं तक था आई होप सो आपको समझ आई होगी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आपको अगली वीडियोस मिल सकें थैंक यू